नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को चंडीगढ़ में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को लॉन्च किया, जिसके माध्यम से किसान 5 जुलाई से 31 जुलाई तक अपनी बोई हुई फसल व खाली खेत का ब्यौरा www.fasalharyana.in पोर्टल पर दे सकेगा। मुख्यमंत्री ने इस पोर्टल को लॉन्च किया और प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों में हर वर्ष वृद्धि करते हुए कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में 17 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी करने की घोषणा की है। उन्होंने किसानों को पानी बचाने, बिजली बचाने तथा पर्यावरण बचाने की अपील पहले भी की है और इसी कड़ी में किसान जागरूक भी हुए हैं। प्रदेश के धान बाहुल्य जिलों में धान के स्थान पर मक्का, अरहर तथा अन्य फसलें उगाने के लिए आरंभ की गई है जल ही जीवन योजना। इसके अंतर्गत 50,000 हेक्टेयर भूमि के लक्ष्य को प्राप्त किया है तथा किसानों ने धान के स्थान पर अन्य फसलें उगाने के लिए अपना पंजीकरण भी करवाया है। आज के इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय वो है कृषि और किसान। हम जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश क्या पूरा देश हमारा जो है कृषि प्रधान देश है, प्रदेश में हमारा कृषि प्रधान प्रदेश है और देश के जो अलग अलग अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो कृषि क्षेत्र हमारा प्राइमरी क्षेत्र, इसमें हमारी जीडीपी का जो योगदान है वास्तव में जितना होना चाहिए उतना नहीं है। सबसे कम योगदान शायद 17-18% ही है। हमारे जो इंडस्ट्री सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग, वो 28-30% है। सर्विसेज ये हमारा लगभग 50% से ऊपर है, 52-55% है। हम कृषि क्षेत्र को आगे कैसे बढ़ाएं इसकी चिंता देश के प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं और जैसे ही सत्ता संभाली थी देश के प्रधानमंत्री ने तो ये वादा किया था कि हम किसानों की आय 2022 तक डबल करेंगे। उस डबल इनकम करने के नाते से बहुत से सुधार केंद्र सरकार के ओर से भी हो रहे हैं और हम प्रदेश में भी जो नए नए आयाम हैं उनके ऊपर एक एक करके हम काम कर रहे हैं। जैसा इसी प्रदेश की कहानियां हैं कि किसानों को खाद और बीज के लिए लाइनें लगानी पड़ती थी। पहले साल हमारे ऊपर भी एक आरोप लगा था कि खाद थानों से बांटी जा रही है, लेकिन उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो पहला साल हमने थानों से भले बंटवाई लेकिन वो महीना था नवंबर 2014 का और हमने सत्ता संभाली थी अक्टूबर 2014 में, तो 15 दिन के बाद हमको खाद अगर थानों से बंटवानी पड़ी तो उसमें आप लोगों को ध्यान में रहा यानी आया होगा कि वो उसके कारण हम नहीं थे, पिछली सरकार थी। खाद का जितना प्रोक्योरमेंट समय पर कर लेना चाहिए था क्योंकि ये प्रक्रिया 6 महीने की होती है, तो 6 महीने पहले प्रोक्योरमेंट जो कर लेनी चाहिए थी उन्होंने किए नहीं और एक ऐसे मोड़ पर खड़ा कर गए कि किसान को खाद ना मिले। बहुत कठिनाइयां हमको हुई लेकिन फिर भी हमारे जो केंद्रीय रेलवे मंत्री थे उस समय के और उस समय के हमारे जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे श्री अनंत कुमार जी, उन दोनों से हमने निवेदन किया तो थोड़ा हमें जो सहायता अच्छी सहायता मिली तो हमने उसमें से रास्ता निकाल कर वो साल पूरा किया। लेकिन लगातार उसके बाद 4 साल और हो गए हैं, एक भी समय ऐसा नहीं आया जब बीज के लिए या खाद के लिए या किसी ऐसी आवश्यकता के नाते से किसानों को बहुत परेशान होना पड़ा हो। हमने हर सीजन में चीज़ें उपलब्ध कराई। जहाँ तक इरिगेशन के नाते, पानी के नाते, इस पर भी लगातार हम काम कर रहे हैं। ये ठीक है कि एसवाईएल में जितनी सफलता हमको मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमने नए कई इनिशिएटिव लेकर के, चाहे वो उत्तराखंड के डैम हो, लखवार डैम हो, केसाऊ डैम हो या फिर हिमाचल का रेणुका डैम हो, उनके ऊपर काम हो रहा है। पाकिस्तान को पानी ना जाए केंद्र सरकार ने वो भी प्रबंध किए हैं। ऊझ के ऊपर डैम, ऊझ नदी पर डैम बनाने की बात आई है या रावी पर डैम बनाने की बात आई है। अपने देश का जो पानी है वो अपने देश में ही जहाँ आवश्यकता उसकी पूर्ति हो। छोटे डैम बनाने के लिए हमने शिवालिक में कई प्रयत्न किए हैं ताकि उन प्रयत्नों के माध्यम से कम आसपास के क्षेत्रों में पानी पहुँच सके।
पानी का प्रबंधन ठीक करके, डिस्ट्रीब्यूशन प्रबंधन मैनेजमेंट, उस नाते से हमने 300 टेल ऐसी थी जहां पानी नहीं पहुंचा था पिछले 30 साल, वहां भी हमने बरसात के दिनों में पानी पहुंचाने का प्रयत्न किया और लगातार वो 2 साल पहले पहुंचा, इस साल भी वो पहुंचेगा, ताकि उन क्षेत्रों के अंदर जो पानी की कमी बहुत ज़्यादा है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसको कम कर सके। किसान के जोखिम का मुआवजा वो हमने सर्वाधिक दिया, सारे आंकड़े ये बताते हैं कि आज तक इतना मुआवजा किसानों को कभी नहीं मिला। बाद में उसी के अंदर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से भी एक राहत, बड़ी राहत मिलनी शुरू हुई, और वो भी किसान जितना प्रीमियम देता है उससे कहीं ज़्यादा उनको मुआवजे के रूप में पैसा मिलता है। MSP प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की कि 17 फसलें ऐसी हैं जिसमें 50% का जो मिनिमम लाभांश है, यानी लागत के मूल्य का 150% MSP, ये तो कम से कम, और बाजरा जैसी फसल तो ऐसी है जहां 93% यानी लाभांश ये दिया गया है, किसी फसल का 60%, किसी का 65%, किसी का 70%, कोई फसल ऐसी नहीं उन 17 में जिसका लाभांश 50% से कम हमने दिया हो। और उसके बाद जो एक कठिनाई आई कि MSP घोषणा होने के बाद भी पैडी और गेहूं, इसकी खरीद तो क्योंकि FCI के माध्यम से होती है, केंद्र सरकार करती है, लेकिन बाकी फसलें केंद्र की ओर से नहीं खरीदी जाती। हमने सबसे पहले बाजरा, उसके बाद सरसों और अब सूरजमुखी, एक एक दाना खरीदने की बात कही, उस पर हम खड़े उतरे और किसानों को भरपूर लाभ इसके अंदर मिला। और आज हमारा बाजरा बोने वाला किसान, सरसों बोने वाला किसान, सूरजमुखी बोने वाला किसान, वो सब प्रसन्न है। तो उस नाते से इस भले ही उसमें बाजार रेट कम भी रहते होंगे, लेकिन उसके जो नुकसान हुए हैं वो प्रदेश सरकार ने अपने जिम्मे लिए हैं और इस काम को हमने पूरा किया है। एक बड़ा विषय पानी बचाओ अभियान, ये भी हमने तो इसको जल ही जीवन नाम से योजना बना करके पहले शुरू किया, और खुशी की बात यह है कि जल संचय योजना के नाम से देश के प्रधानमंत्री जी ने भी अभी पिछली बार अपनी मन की बात में आह्वान किया सारे देश की जनता को, और ये योजनाएं केंद्र सरकार की ओर से भी बनाई जा रही हैं, क्योंकि जल संकट एक प्रकार का एक बड़ा संकट कल को बनने वाला ऐसी जो आभास हो रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए आज प्रायोरिटी के विषय ये है हमारे कि जल का ठीक प्रयोग किया जाए, जल का वेस्टेज बचाया जाए, जल को ट्रीटमेंट किया जाए, जल का रीयूज पुनः इस्तेमाल ये किया जाए, रिचार्जिंग के नाते वर्षा का पानी जहाँ आता है वहीं उसको रोका जाए, ये सारे विषय हैं जल को बचाने के। और उसमें किसान को भी हमने अपील की कि जहाँ तक भी संभव हो धान की बजाय हम अतिरिक्त फसलें उसका बोने का क्रम बनाए। हमने अपील की थी कि 50,000 हेक्टेयर का पहली बार टारगेट अब रख के चलेंगे। प्रारंभ में बहुत से लोगों ने शंका व्यक्त की कि किसान अपने आप शायद आगे नहीं आएंगे, लेकिन थोड़ा बहुत हमने उसमें सब्सिडी के माध्यम से भी सहायता करने की कोशिश की है, फिर भी किसान इसमें जागरूक हुआ है। किसान को भी लगता है कि आज का ये जो जल का संकट कल का भी ज़्यादा बड़ा संकट बन सकता है, तो किसान आगे आए। और खुशी है मुझे आपको बताते हुए कि हमारा टारगेट रजिस्ट्रेशन का 50,000 हेक्टेयर को पार कर चुका है, एक बहुत बड़ा विषय ये हमने इस बार किया है। जल के नाते से हमने इरिगेशन का जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी बड़ा काम हम कर रहे हैं। लगभग 2,500 करोड़ रुपए की हमारी योजना वेस्टर्न जमुना कैनाल और उसकी डिस्ट्रीब्यूटरीज वो सब लगाया। साउथ हरियाणा में लिफ्ट इरिगेशन के ऊपर 143 करोड़ रुपए हमने लगाया है। कुछ स्कीमें जो यमुना के बेड में से पानी लेने के लिए रेनिवल योजनाएं मेवात की हमने बनाई है, पानीपत की योजना पाइपलाइन में है, जहां भी हमको उस बेड से पानी उपलब्ध होगा वहां हम पानी की व्यवस्था करेंगे ताकि इस विषय को हम करें। पॉन्ड्स जो हमारे हैं जितने भी गांव के अंदर 14,000 पॉन्ड, उसको रिनोवेशन करने के लिए, उसकी व्यवस्था ठीक करने के लिए, उसकी गंदे तालाबों को साफ करने के लिए, गांव के पशुओं के पीने के काम आ जाए पानी और वही पानी कहीं इरिगेशन में भी काम आ जाए, ऐसे एक मल्टीपर्पज़ एक स्कीम ये हमने बनाई है, इस पर भी काम करना शुरू किया है। 14,000 पाउंड ऐसे हैं, लंबी योजना है,
आज भी नाबार्ड के जो चेयरमैन हैं उनसे मेरी बात हुई है, मैंने कही हमारी बड़ी योजना है, शायद इसको हम बजट से पूरा ना करा पाएँ तो नाबार्ड से हम उसकी कुछ लोन की सहायता लेंगे। उन्होंने हाँ कर दी है कि बहुत अच्छी स्कीम है और इस योजना को सराहा जा रहा है, इसके लिए नाबार्ड हमको फंडिंग करेगा। तो आने वाले 5 वर्षों के अंदर प्राय 14,000 जो पौंड हैं उन सब की व्यवस्था उसको व्यवस्थित करेंगे, पानी बचाने की, पानी के प्रबंधन की ये सब स्कीमें। इसी प्रकार हमने किसान से जो अपील की है, पानी बचाने के साथ साथ बिजली बचाने की अपील भी की है कि वो अपने जो ट्यूबवेल्स हैं उनमें जो मोटर्स हैं, अभी परंपरागत ट्रेडिशनल जो मोटर लगी हुई हैं उससे बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो बिजली की मोटरें बदल करके एनर्जी एफिशिएंट पंप सेट्स जिसमें 30% पावर बचती है तो वो पंप, नए पंप वो लगाएं। पुराने में भी आवश्यकता पड़ने पर जब उनको रिप्लेस करना होता है तो एनर्जी एफिशिएंट पंप से उनको बदलें। सोलर के ऊपर हम जा रहे हैं ताकि सोलर पंप्स के माध्यम से भी किसान को एक अतिरिक्त लाभ ये हम दिलवा सकते हैं, क्योंकि सोलर तो जब उनको ज़रूरत है तब तो उसका उपयोग करेंगे, ज़रूरत नहीं है तब भी जो बिजली का उत्पादन होगा वो हम ग्रिड में ले करके उनको कुछ ना कुछ उसको पैसा उसका हम देंगे। ऐसी योजनाएं भी हमारी बन रही हैं। तीसरी अपील किसान को हम कर रहे हैं, पर्यावरण बचाओ। पर्यावरण बचाओ में जो पराली को खास करके जलाने का विषय है तो इस पर किसान जागरूक हुआ है। जो पहले समस्याएं आज से 2-3 साल पहले थी उसमें काफ़ी कमी आई है और हमने काफ़ी उसमें सरकारी सहायता और इम्प्लीमेंट्स ये भी देने की कोशिश की है। आज विशेष तौर पर एक पोर्टल का हम लॉन्च जो करने जा रहे हैं उसका नाम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा। मेरी फसल मेरा ब्यौरा में अभी इसको पहले थोड़ा बहुत तो लागू किया हुआ था पायलट प्रोजेक्ट के नाते से, एक फसल के हिसाब से हम उसको रजिस्ट्रेशन कराते थे। कभी हमने बाजरे का रजिस्ट्रेशन करा लिया, कभी हमने गेहूं का करा लिया, कभी धान का करा लिया, सरसों का करा लिया, जिसकी आवश्यकता होती थी उस फसल के बारे में हम कह देते थे। लेकिन उसमें बहुत सी कमियां भी ध्यान में आई। एक ही खेत में जहां एक फसल एक टाइम की होनी चाहिए थी एक ही टाइम पर दो दो फसलें भी दिखा दी गई, या कुछ खेतों में फसल दिखाई नहीं गई, लोगों ने थोड़ा सा उसमें यानी उस प्रकार की अवेयरनेस नहीं थी, जानकारियां नहीं थी, वो रह गई। बाद में फिर जिस पर्पज़ के लिए वो कराते थे उस पर्पज़ में कठिनाइयाँ भी आई। कई उसके पहलू जो हमारे पर्पज़ हैं उसके उद्देश्य है कि हम किसान को कैसे कैसे सहूलत दे सकते हैं वो उसके लाभ हमारे थे। उन सब बातों को देखते हुए निर्णय पहला ये लिया गया कि एक समय में पूरी जमीन, चाहे उसने कोई फसल बोई है या नहीं बोई है, उसका एक साथ ये रजिस्ट्रेशन कराया जाए। जो फसल का प्रकार बोया हुआ है वो, और अगर खाली भी है तो वो भी। और उसमें सबसे पहला काम हम किसान से कराएंगे, किसान को अपील करेंगे कि जैसे इस लॉन्च को हम इसको लॉन्च कर रहे हैं कल 5 जुलाई से, 5 जुलाई से हम शुरू करेंगे और 31 जुलाई तक किसान को हम बहुत बड़ी अपील करने वाले हैं कि अपने खेत की जो आपने बुआई की है वो सब फसलें, और जो आपने नहीं भी बोई है उसको भी, गांव का जो भी वहां आपको उपलब्ध सिस्टम है, पोर्टल जहां मिलता है, और खास करके जैसे कॉमन सर्विस सेंटर, अटल सेवा केंद्र, गांव-गांव में VLE, 4,000 गांव में तो VLEs है, और इसको शहरों में आकर के भी करा सकते हैं, मंडी में जाकर भी करा सकते हैं, जहां किसान का फुटफॉल है जाने का, हर एक स्थान पर हम उनको पासवर्ड दे देंगे और उनको उस पोर्टल पर जाकर के अपनी जानकारी वो करा सकते हैं। थोड़ा इंसेंटिव भी शुरू में रखा है कि एक बार उनको अभ्यास लगे तो हमने 10 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5 एकड़, यानी 50 रुपये तक, 5 एकड़ क्या 50 रुपये कहेंगे कि मैक्सिमम 50 रुपये, अगर किसी के 5 एकड़ तक है तो 50 रुपये, 8 एकड़ है तो भी 50 रुपये, एक किसान को 50 रुपये देंगे कि एक बार जा करके वो करा के आए। लेकिन उसमें भी मिनिमम 20 रुपये रखें, अगर आधा एकड़ भी है उसकी तो भी 20 रुपये, यानी 2 एकड़ का मिनिमम चार्ज, 5 एकड़ का मैक्सिमम चार्ज, लेकिन जितनी ज़मीन का ब्यौरा है वो सारा जाके वहाँ लिखवा के आए। और साथ में जहाँ लिखवाएगा, खास करके जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं, अटल सेवा केंद्र जिसको कहा है, 5 रुपया पर किसान पर, यानी एंट्री पर किसान एंट्री, 5 रुपया उसको भी मिलेगा। अर्थात एक गांव में अगर 1,000 किसान हैं, उन्होंने अपनी एंट्री करानी है सबने, तो 5,000 रुपया उसको भी उस एक महीने में मिल जाएगा, उसके लिए अलग से उसका अकाउंट वो रहेगा। तो सभी जितनी सरकारी सेवाएं पहले भी दे रहे हैं हमारे कॉमन सर्विस सेंटर्स, उसमें ये एक सर्विस भी जुड़ जाएगी, उनकी आमदनी भी से बढ़ेगी।